नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 पोस्ट का नाम रहेगा आपका ट्रांसलेटर की, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट आपकी 47। ठीक है जी, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटरीट। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 1/2020 रहेगा। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ईमेल ओनली। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट ईमेल करना है। फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फिलिंग ऑफ फॉलोइंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है जी, ये ट्रांसलेटर की आपकी वैकेंसी रहेगी, जिसमें आपका स्केल रहेगा, पे लेवल 8 है। सैलरी आपको दी जाएगी 47,600 से 151,100 रुपये। ठीक है जी, इन द पे मैट्रिक्स इन लोकसभा सेक्रेटरीट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे रहेगी। अब बात कर लेते हैं मैं कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी इसमें आई हुई है। तो इसमें देख सकते हो SC कैटेगरी के लिए आपके टोटल 3 पोस्ट रहेगी, ST के लिए आपकी 5 पोस्ट है, OBC के लिए 17 पोस्ट है, UR के लिए आपकी 13 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 9 पोस्ट है और टोटल आप देख सकते हो 47 पोस्ट है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि आप फॉर्म भरते वक्त आपको प्रॉब्लम ना रहे कैटेगरी वाइज भी कितनी वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो इसमें आपके मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए, ठीक है जी, या फिर आपको इंग्लिश होना चाहिए। आप देख सकते हो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डेट द डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। ठीक है जी, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होनी ज़रूरी रहेगी, और आप पूरी डिटेल इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपके एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है जी, आप दे सकते हो, आप इसमें दे रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रांसलेटर का। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है। याद, एज लिमिट दे सकते हो आपकी 27 साल मांगी गई है। ठीक है जी, और आप ये दे सकते हो इसमें 29 साल मांगी गई है। अगर आप कहीं पे ट्रांसलेटर का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास 2 साल का, तो आपकी एज लिमिट 29 मानी जाएगी। और इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो आप हम नीचे देखेंगे अभी SC ST और OBC को कितना कितना रिजर्वेशन दे रखा है कट ऑफ, वो ठीक है जी, कैटेगरी वाइज कितनी आपके एज में छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो ये देख लीजिए, एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव बी टू अपियर रिटन एग्जामिनेशन प्राइमरी एग्जामिनेशन में। आप दे सकते हो इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, इसमें आपके Part 1 A B C 3 रहेंगे, जिसमें जनरल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी 50 मार्क्स की, और इंग्लिश रहेगी आपकी 50, यानी कि आपके 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का, और आपका टाइम दिया जाएगा आपको 75 मिनट। ठीक है जी, यानी कि 1.25 घंटा आपको समय रहेगा इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मेन एग्ज़ाम रहेगा। देख सकते हो जिन कैंडिडेट्स का प्राइमरी एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसे सेकंड एग्ज़ाम के लिए यानी कि मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम में आप दे सकते हो, ये आपका रहेगा Part 1 में A और B, ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है जी, 75 75 मार्क्स के आपके पेपर रहेगा, और ये समय रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद में इसमें मेंस में Part 2 रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश SC प्रेसी एंड ग्रामर रहेगी, और हिंदी इंग्लिश प्रेसी और ग्रामर रहेगी। ये आपके 50 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपका जो मेंस का पेपर है वो आपका 250 नंबर का रहेगा, और आपका समय दे सकते हो आप 2 घंटे का, और सेकंड वाले का 3 घंटे का रहेगा। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। आप देखते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इसके अंदर नीचे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसको आप भर के, यानी कि आपको उसको फॉर्म को फिल करके और स्कैन करके आप इस दी हुई ID पे आपको सेंड करना है, ईमेल ID पे। ठीक है जी, याद दे सकते हो रिक्रूटमेंट
SANSAD.NIC.IN, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको ईमेल करके सेंड करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको फॉर्म भेजने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। साथ में इसके आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी साथ में अपलोड करने, PDF फॉर्म में आप दे सकते हैं, पूरी इसमें डिटेल दी हुई है। ठीक है, जिसमें भी आप दे सकते हो, इसमें आपको फॉर्म को फिल करके स्कैन PDF फाइल बना के इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आपको उस फाइल को सेंड करना है। और जब आप स्कैन करोगे उसका साइज देखा रखा है 300 डॉट्स होना चाहिए, यानी कि आपकी PDF फाइल इतनी छोटी भी ना हो, स्कैन की हुई भी कुछ उसमें दिखाई भी ना दे, तो कम से कम का 300 डॉट्स पर इंच का होना चाहिए, ठीक है, 300 DPI की। और इसमें ये दे सकते हो एज और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी रिपोर्ट ऑन एज, ठीक है, यानी कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन आपकी 27 जुलाई 2020 तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में, भी कैटेगरी वाइज कितने आपको एज में छूट दी गई है। तो ये दे सकते हो SC ST कैंडिडेट्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है कहीं पे तो उनको 10 साल की छूट दी गई है, अगर सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स को अगर सर्विस में गवर्नमेंट सर्विस तो 8 साल की है, और बिना गवर्नमेंट सर्विस के 3 साल की है, और जनरल और EWS अगर गवर्नमेंट सर्विस में तो 5 साल की है, और अगर वो नहीं है सर्विस में तो नील रहेगी। एक्सर्विसमैन का आप दे सकते हो 45 ईयर दे रखी है, और एम्प्लॉय ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट के लिए आप दे सकते हो 3 साल की आपका इसमें छूट दी गई है। इसमें आप देख सकते हो सारे सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल से दे रखा है, भी आपको समय समय पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर चाहिएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज, यानी कि आपकी 27 जुलाई 2020 तक आपको ईमेल हो जानी चाहिए उनके दिए हुए एड्रेस पे, ठीक है जी। उन्हें दे रखा है सिर्फ आपको ईमेल करना है, अगर आपको कोई क्यूरी हो रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है जी, तो आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो रहेगा आपका 011-230-34521, ठीक है, जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरी है तो। अगर आप ये PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये दे रखा है, द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग दी वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, वहाँ पे दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस दे रखा है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके पूरी इसमें डिटेल से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको फिल करके उसको स्कैन करके PDF फाइल में और साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको ईमेल करना है, तो ये आप दे सकते हो ऑफिशियल वर्क रहेगा, फिर रोल नंबर आपका इसमें बाद में दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो पेस्ट होगी, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप दे सकते हो 1/2020 रहेगा, और पोस्ट का नाम आपका ट्रांसलेटर है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है जी, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सर नेम रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, फादर नेम इन कैपिटल लेटर, मदर नेम इन कैपिटल लेटर, नेशनलिटी दे रखा है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये दिखा सकते हैं, प्राइमरी एग्ज़ाम रहेगा आपका भोपाल में, दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में, ठीक है जी, जहाँ पे आप प्रेफर करना चाहते हो शहर को उस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस रह जाएगा, पिन कोड, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है जी, आपको ज़रूर मेंशन करनी है जो आप कंटिन्यू रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें एड्रेस देख सकते हो और पीरियड ऑफ स्टे, यानी कि आप कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, डेट ऑफ प्लेस, एज यानी कि आपकी 27 जुलाई 2020 तक आपकी एज, मत कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हो जाओगे आपको इसमें मेंशन करना है, कैटेगरीज में मेंशन करनी है आपको, और आप देख सकते हो पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से उसे भर के और स्कैन करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। यह आपकी अटेंडेंस शीट रहेगी आपको बाद में ऑफिशियल यूज के लिए, ये तो ठीक है जी, आप देख सकते हो टोटल 19 पेज की आपकी ये PDF फाइल है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसे डाउनलोड करके अच्छे से चेक करके फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है जी।
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।